नमस्कार, मैं हुशवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 अगस्त। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने पितृपक्ष मेला को लेकर रबर डैम का किया निरीक्षण। बिहार के 40% बीएड कॉलेज आए जांच की जद में। वित्त मंत्रालय ने कहा यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने का कोई इरादा नहीं। इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग की मदद करेंगे मुखिया और सरपंच। टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में जिम्बाब्वे को किया क्लीन स्वीप। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री ने पितृपक्ष मेला को लेकर रबर डैम का किया निरीक्षण। आगामी 9 सितंबर से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला की तैयारियों का जायजा लेने बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया जिले के विष्णुपद पहुंचे, जहां उन्होंने विष्णु चरण की पूजा अर्चना की। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पितृपक्ष मेला के लिए बने रबर डैम का निरीक्षण किया। रबर डैम की तैयारियों को देखकर मुख्यमंत्री खुश नजर आए। वहीं पितृपक्ष मेले को लेकर मुख्यमंत्री बैठक भी करने वाले हैं। मालूम हो कि इस बार पितृपक्ष मेला ऐतिहासिक होने वाला है। इस बार पिंडदान करने के लिए आने वाले पिंडदानियों को फल्गु नदी के शुद्ध जल में तर्पण करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए काफी दिनों से यहां के डीएम तैयारियां कर रहे हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे आचार्य जानकी बल्लभ शास्त्री की। आचार्य जानकी बल्लभ शास्त्री एक हिंदी के कवि, लेखक और आलोचक थे। उन्होंने 1994 में पद्मश्री से भी इनकार कर दिया। जानकी बल्लभ शास्त्री का जन्म गया जिले के मैगड़ा गांव में 5 फरवरी 1916 को सकल द्वीपीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जानकी बल्लभ शास्त्री ने कई प्रसिद्ध कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, जीवनी, निबंध, गजल और गीत लिखे हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में बंदी मंदिरम, ककली राधा, रूप आरूप, तीर तरंग, मेघ गीत, गाथा, पशानी, तमसा, इरावती, कालिदास और एक किरण सो झिया शामिल है। शास्त्री को विभिन्न पुरस्कारों जैसे राजेंद्र शिखर पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, शिव पूजन सहाय पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया है। सोन नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी। सोन नदी के ऊपरी जल अधिग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी वर्षा के बाद सोन नदी का जलस्तर बीते दिन शाम तक के अपडेट में बढ़ा हुआ पाया गया। दरअसल बीते दिन जल संसाधन विभाग के अनुसार इंद्रपुरी बराज से सोन नदी में 30,000 क्यूसेक पानी पहुंचा है। इसमें से बराज का लेवल मेंटेन करने के बाद 12,323 क्यूसेक पानी सोन नदी में छोड़ा गया। वहीं उत्तर प्रदेश से मांग के बाद 1,034 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद सोन नदी के ऊपरी जल अधिग्रहण क्षेत्र में हुई बारिश की वजह से दिन शाम तक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी रहा, जिसको देखते हुए बाणसागर जलाशय से सोन नदी में पानी नहीं छोड़ा गया। देशबंधु कॉलेज दिल्ली ने कुल इतने पदों पर निकाली भर्तियां। देशबंधु कॉलेज दिल्ली ने सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, म्यूजियम क्यूरेटर, वर्कशॉप मैकेनिक, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट के कुल मिलाकर 40 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस पद के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को 10th या 10+2 या डिप्लोमा या डिग्री या बीई या बीटेक या एमएससी या एमसीए या पीजी इन रिलेवेंट डिसिप्लिन में पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन की अंतिम तारीख 9 सितंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.deshbandhucollege.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैथिली की प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कृत फिल्म आप भी देख सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। मिथिला मखाना को GI टैग मिलने के बाद आम से लेकर खास सभी मिथिलावासियों के बीच खुशी की लहर है। सभी अपने अपने तरीके से इसकी खुशियां मना रहे हैं। इस बीच फिल्म निर्माता अभिनेता नीतू चंद्रा ने सुपरहिट फिल्म मिथिला मखान को फ्री कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि भोजपुरी मैथिली फिल्म निर्माण कंपनी चंपारण टॉकीज की ओर से यह घोषणा की गई है। जब भारत सरकार ने मिथिला के मखाना को मिथिला मखाना के नाम से GI टैग दिया, कंपनी ने अपनी सुपरहिट फिल्म मिथिला मखान को YouTube पर फ्री देखने का ऑफर दे दिया। इसकी जानकारी नितिन नीरा चंद्रा ने ट्वीट के माध्यम से दी है। उन्होंने ट्वीट कर मैथिली भाषा में लिखा कि मखाना को GI टैग मिला, इस खुशी में मैथिली की प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कृत फिल्म मिथिला मखान आज फ्री कर रहा हूँ। बिहार के 40% बीएड कॉलेज आए जांच की जद में। बीएड कॉलेज खोलने के लिए जमीन और भवन आदि का मानक पूरा करना अनिवार्य है। ऐसे में बिहार के करीब 300 बीएड कॉलेजों की जांच हो रही है।
जिसके लिए नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया NCTE के तय मानकों पर इन कॉलेजों को उतरना है। इस पर NCTE ने बिहार से रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद बिहार के ऐसे 40% बीएड कॉलेजों ने इसकी रिपोर्ट नहीं दी है, जिसके बाद इसे गंभीरता से लेते हुए NCTE ने बीएड कॉलेज के संचालन के लिए तय मानकों को सख्ती से लागू करने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया है। साथ ही राजभवन सचिवालय को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। औरंगाबाद में निगरानी विभाग ने घुसखोर इंजीनियर को किया गिरफ्तार। बिहार के औरंगाबाद में निगरानी विभाग ने घुसखोर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार इंजीनियर का पहचान सीताराम सैनी के रूप में की गई है, जिसके ऊपर अपने ही विभाग के विनय कुमार से घूस लेने का आरोप है। मामले में निगरानी विभाग की टीम ने आरोपी सहायक अभियंता को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें 40,000 रुपये घूस लेने का मामला सामने आया है। बता दें कि छापेमारी और गिरफ्तारी की खबर मिलते ही पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा, भरोसा करें और कुछ समय दें, सभी नियोजन प्रक्रिया पूरी होगी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को राजधानी पटना में प्रदर्शन भरा दिन रहा। बिहार के अलग अलग जिलों से आए सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि शिक्षकों की प्राथमिक बहाली को लेकर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इस बीच नए सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अभ्यर्थियों से अपील करते हुए कहा कि नई सरकार पर भरोसा करें और कुछ समय दें, सभी नियोजन प्रक्रिया पूरी होगी। वहीं दूसरी ओर जहां जूनियर डॉक्टर्स ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जहां PMCH सहित ऐसे 9 अस्पतालों की OPD व्यवस्था ठप रही, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं बहाल रही। नीतीश के PM मेटेरियल पर बोले गिरिराज सिंह। बीजेपी के फायर ब्रांच मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार को नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहीं से भी प्रधानमंत्री के योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि वो खुद के दम पर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, वो प्रधानमंत्री क्या बनेंगे। आगे उनका कहना था कि नीतीश कुमार अब कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं होगा। बिहार में शरिया और मजहबी कानून लागू किया जा रहा है। गिरिराज ने कहा कि अगर इस पर जल्द ही रोक नहीं लगाई गई तो हम विरोध इसका करेंगे। रोजगार के मुद्दे पर भी गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार से सवाल किया और पूछा कि रोजगार कहाँ से लाएंगे। इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग की मदद करेंगे मुखिया और सरपंच। TB जैसे गंभीर बीमारियों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए बिहार सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग लोगों में TB और जैसे गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए पंचायत स्तर पर काम करेगी, जहां मुखिया और सरपंच से मदद ली जाएगी। दरअसल मुखिया सरपंच के साथ सभी वर्ग के लोगों की सहभागिता से TB के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी है। अभियान सितंबर महीने से संभावित है। जागरूकता अभियान में राज्य सरकार की तरफ से TB रोगियों को इलाज के दौरान दी जाने वाली पोषण संबंधी सहायता, मुफ्त उपचार और ₹500 मासिक सहायता जैसी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। विपक्ष की नई आवाज बन सकते हैं नीतीश कुमार। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी व राष्ट्रीय परिषद की बैठक को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। अगले महीने के पहले हफ्ते में 3 या 4 तारीख को ये बैठक होनी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बिल्कुल नए अंदाज में विपक्ष को एकजुट करने के लिए निकलेंगे। एक तरफ जहां नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री मटेरियल होने की खबर सामने आ रही है, ऐसे में जदयू की तरफ से कई बातें सामने आएंगी। बता दें कि विपक्ष को एकजुट करने की बात नीतीश कुमार पहले भी कई बार कर चुके हैं। NDA में रहते हुए भी जदयू महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरते रही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बैठक में क्षेत्रीय दलों को साथ जोड़ने की मुहिम में आगे बढ़ने की बात भी होगी। मुंडेश्वरी देवी मंदिर इस वजह से है बेहद खास। मुंडेश्वरी देवी मंदिर बिहार राज्य में कैमूर जिले के कौरा में मुंडेश्वरी पहाड़ियों पर स्थित है। यह भगवान शिव और शक्ति की पूजा के लिए समर्पित एक प्राचीन मंदिर है और इसे बिहार के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। इसे दुनिया का सबसे पुराना कार्यात्मक मंदिर भी माना जाता है। आपको बताते चले कि मुंडेश्वरी पहाड़ी पर 608 फीट की ऊंचाई पर स्थित मुंडेश्वरी देवी मंदिर सोन नदी के पार खैमूर पठार पर स्थित मुंडेश्वरी पहाड़ी पर कई तात्विक अवशेष हैं। यहां पटना, गया या वाराणसी के रास्ते सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। ADM ने किया तिरंगा का अपमान, DM ने की जांच कमेटी गठित। 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर बीते दिन शिक्षक फिर सड़कों पर उतरे, जहां पटना के डाक बंगला चौराहा पर प्रदर्शन कर रहे एक अभ्यर्थी को लाठी मारी गई। अभ्यर्थी हाथ में तिरंगा लेकर जमीन पर बैठ गया था। उनका कहना था कि सरकार लगातार आश्वासन ही दे रही है। इस मामले की खबर जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लगी तो उन्होंने पटना जिलाधिकारी से फोन पर वार्ता की। DM चंद्रशेखर ने पटना सेंट्रल SP और DDC के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन किया है। तेजस्वी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि ADM ने अभ्यर्थियों पर स्वयं लाठीचार्ज क्यों की, ऐसी क्या नौबत थी, इसकी जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी।
पप्पू यादव की सेना को पुलिस ने रोका, वापस लौटे कार्यकर्ता। केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों के खिलाफ बीते दिन पप्पू यादव की पार्टी ने राजभवन मार्च निकाला, जिसे पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस और जाप कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी इस आंदोलन में शामिल हुए। पप्पू यादव ने देश और प्रदेश के हालातों पर, बढ़ रही महंगाई और दूध दही अनाज जैसी चीजों पर जीएसटी की बढ़ोतरी के खिलाफ आवाज उठाई थी, जहां पप्पू यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में तेजी से अपराध बढ़ रहा है और इसका कारण पक्ष और विपक्ष दोनों हैं और ये दोनों मिलकर बिहार को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अगले दो दिनों तक अधिकतम तापमान में होगी बढ़ोतरी। बिहार में फिलहाल मौसम का मिजाज हर घंटे बदल रहा है। इस दौरान किसी पल बारिश तो पल भर में सूरज की तपिश लोगों को परेशान कर रही है। बीते तीन दिनों से बिहार के मौसम में तेजी से बदलाव देखा गया है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान में कहा गया है कि पश्चिम मानसून की रफ्तार न पकड़ने के चलते सामान्य मानसूनी बारिश होने की संभावना काफी कम है। मौसम विज्ञान विभाग ने 25 अगस्त 2022 तक के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें प्रदेश में सामान्य बारिश होने की संभावना न के बराबर है। हालांकि इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। कला व संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय का सुशील मोदी पर बड़ा हमला। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता सुशील मोदी भी सरकार पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहे। इसके बाद अब राजद नेता सह बिहार सरकार में कला व संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय ने बीजेपी सांसद सुशील मोदी पर जमकर हमला बोला है और कहा कि सुशील मोदी के पास सिर्फ एक ही काम है, लालू चालीसा पढ़ने का। दरअसल गोपालगंज दौरे पर गए कला व संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय ने सुशील मोदी का सुबह से लेकर शाम तक उनका एक ही काम है, लालू चालीसा पढ़ना। इसके सिवा राजनीति में वो तो कुछ जानते नहीं हैं। हमको नहीं लगता कि वह कभी गोपालगंज में आकर यहाँ किसी गरीब का दुख सुख सुने होंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा, यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने का कोई इरादा नहीं। डिजिटलाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहे लोग आजकल अधिकतर पेमेंट ऑनलाइन मोड में ही करना पसंद करते हैं। ऐसे में छुट्टे की झंझट सहित कई परेशानियों से बचा जा सकता है। इसके लिए अगर आप यूपीआई के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपको इसके लिए कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ता है। लेकिन हाल ही में एक खबर आई जिससे लोगों की परेशानियां तब बढ़ा दी जब पता चला कि यूपीआई से पेमेंट करने पर इसके लिए आपको शुल्क चुकाने होंगे। लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए एक ट्वीट में कहा गया है कि सरकार यूपीआई सर्विसेज पर किसी तरह का चार्ज वसूलने के बारे में नहीं सोच रही है। इसकी जो भी लागत आती है उसकी भरपाई सर्विस प्रोवाइडर्स दूसरे तरीकों से करें। CUET दूसरे चरण के परीक्षार्थियों को छठे चरण में मिलेगा मौका। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा का पांचवा चरण शुरू हो गया है। बता दें कि सैकड़ों उम्मीदवार जिन्हें 4 अगस्त को आयोजित परीक्षा देनी थी लेकिन तकनीकी कारणों से परीक्षा नहीं दे सके, इन सभी छात्रों को परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। उनके प्रवेश पत्र भी जारी किए जा रहे हैं। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 30 अगस्त 2022 को निर्धारित की गई है उनके प्रवेश परीक्षा से काफी पहले जारी कर दिए जाएंगे। UGC चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार के मुताबिक CUET 2022 परीक्षा चरण 6 के लिए 24, 25 और 26 अगस्त को निर्धारित उम्मीदवारों के लिए प्रवेश पत्र 21 अगस्त 2022 को जारी कर दिए गए हैं। बिहार भाजपा विधानमंडल की बैठक, आज कई नामों पर होगी चर्चा। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा के तमाम मंत्रियों ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सह भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। इस बीच आज यानी मंगलवार को भाजपा विधानमंडल की बैठक बुलाई गई है। खबर यह भी है कि इस बैठक में सदन के दौरान पार्टी की रणनीति तय होगी। साथ ही इस बैठक में विधानसभा और विधान परिषद के लिए नेता प्रतिपक्ष के लिए चेहरे का चयन होगा जो सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेर सके, क्योंकि 24 अगस्त को विधानमंडल का सत्र शुरू होने जा रहा है। इसी को देखते हुए भाजपा ने एक दिन पहले जरूरी बैठक बुलाई है। BSF हेड कांस्टेबल पद के लिए आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के हेड कांस्टेबल पद के लिए आवेदन का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना है। BSF ने हेड कांस्टेबल के 1312 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट rect.bsf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इन पदों के लिए 12वीं पास अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी इन पदों के लिए 19 सितंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन को दी बड़ी राहत।
बीजेपी नेता और बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत दी है। बीते दिन बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दिया था। 2018 में एक महिला ने शाहनवाज पर दुष्कर्म पर आरोप लगाया था और दिल्ली कोर्ट में शिकायत की थी। इस पूरे मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी और फिलहाल FIR पर रोक लगा दिया है। टीम इंडिया ने 3 मैचों के वनडे सीरीज में जिम्बाब्वे को किया क्लीन स्वीप। केएल राहुल की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली है। आर्या स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए सीरीज के तीसरे वनडे मैच में भारतीय टीम ने मेजबान जिम्बाब्वे को तीसरी बार पटखनी दी। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। इस मैच के हीरो रहे शुभमन गिल ने 97 गेंदों में 15 चौके और 1 छक्के की मदद से कुल 130 रनों की शतकीय पारी खेली और इसी के साथ केएल राहुल की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने मेजबान जिम्बाब्वे को उसी की जमे पर मात दी। अल्लू अर्जुन को अमेरिका में मिला ये खास सम्मान। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को अमेरिका में खास सम्मान से नवाजा गया है। मालूम हो कि आज से कुछ महीने पहले अल्लू अर्जुन द्वारा की गई फिल्म पुष्पा ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी डंका बजाया था। आम से लेकर खास सभी के ऊपर पुष्पा के डायलॉग और एक्शन का बुखार चढ़ा था। फिल्म के गाने, डायलॉग और अल्लू अर्जुन के स्टाइल को फैंस ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया था। इस बीच अब अल्लू अर्जुन को न्यूयॉर्क के मेयर ने सम्मानित किया और के साथ मैं झुकेगा नहीं डायलॉग वाला स्टेप फॉलो किया। अल्लू ने यहां की कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी साझा की है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने 2008 में अपने पद से इस्तीफा दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2008 में प्रदेश महिला आयोग में 16 सदस्यों को नामित किया। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और आंध्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री टी प्रकाशम का जन्म 1872 को हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी एवं चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख लोगों में से एक राजकुमार शुक्ल का जन्म 1875 में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मराठी कवि गोविंद विनायक करंदीकर का जन्म 1918 में हुआ था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ का जन्म 1923 को हुआ था। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेत्री सायरा बानो का जन्म 1944 को हुआ था। 9वीं लोकसभा के सदस्य सुखदेव नंदाजी काले का जन्म 1955 को हुआ था। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक विनायक राव पटवर्धन का निधन 1975 को हुआ था और आज ही के दिन भारत की प्रसिद्ध महिला तैराक आरती साहा का निधन 1994 को हुआ था। यशवंत सिन्हा ने ट्विटर पर तेजस्वी की पोस्ट पर लिखा, फ्री होकर कॉल करें। सत्ता में आने के बाद और उपमुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद तेजस्वी यादव काफी व्यस्त नजर आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रह चुके यशवंत सिन्हा को भी तेजस्वी यादव से बात करने के लिए कमेंट सेक्शन में मैसेज देना पड़ रहा है। दरअसल बात यह है कि तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बीते दिन सुबह करीब 8 बजे 4 तस्वीरें अपलोड की, जहां बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने पहुंचे हैं। इन तस्वीरों के कैप्शन में तेजस्वी यादव ने लिखा कि आपकी सेवा में तत्पर। कुछ ही घंटों के बाद यशवंत सिन्हा के अकाउंट से अंग्रेजी में प्रतिक्रिया आई। यशवंत सिन्हा ने लिखा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, फ्री होकर कॉल करें। इसके बाद उनके इस मैसेज से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मनोज कुमार, रवि रंजन सिंह यादव, नितीश चौधरी, रामनवमी मांझी, उमेश ऋषिदेव, जाफर खान, श्याम नंदन चौधरी, हसन मंजर, रविशंकर, सबाहत निशा, विकास कुमार, शिव शक्ति और ब्रजेश राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार भारत बनाम जिम्बाब्वे सीरीज में भारतीय टीम की तरफ से किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।